मैं महादेव, कैलाश और पूरे कैलाश परिवार को छोड़कर यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है और उसके पश्चाताप स्वरूप मुझे कठोर तपस्या करनी होगी। देवी, ऋषिवर, अब मैं आपको संपूर्ण कहानी सुनाऊंगी और ये भी बताऊंगी कि मुझसे क्या अपराध हुआ है और यही पश्चाताप की ओर मेरा पहला कदम होगा। मैं आपको अपने संघर्ष, शत्रुओं से युद्ध और अपने पूरे अंतर्द्वंद की कहानी सुनाऊंगी और आपको ये भी बताऊंगी कि महादेव, ब्रह्मदेव, नारायण और अन्य सभी देवताओं ने इस कहानी में कौन सा पात्र निभाया। ये महाकाली स्वरूप की कहानी है। ये अध्याय क्या कहलाए जाएंगे? आपके पुराण के इन अध्यायों को संसार देवी पुराण के नाम से जानेगा। पहले प्रसंग में मैंने आपके शैलपुत्री स्वरूप का वर्णन किया। शैलपुत्री, शैल अर्थात पर्वत, और मैं पर्वत राज हिमावन और महारानी मैनावती की पुत्री। अपने सती स्वरूप के त्याग के बाद मैंने शैल पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और जन्म से ही मैंने महादेव के प्रति एक दृढ़ आकर्षण का अनुभव किया। मेरा ये स्वरूप मेरे लिए इसीलिए विशेष है क्योंकि अपनी इस यात्रा में मैंने मनुष्य रूप में जन्म लेकर अपने दैविक स्वरूप में अपने देवादिदेव महादेव से एकाकर किया। मेरे शैल पुत्री स्वरूप का सार और सीख यही है कि संसार ये जान ले और समझ ले कि प्रत्येक मनुष्य का एक उद्देश्य होता है और यदि पूरी निष्ठा से उस उद्देश्य को पाने का वो प्रयास करे तो उसका जीवन सार्थक हो जाएगा। ब्रह्मचारिणी, ये उपाधि मुझे इसलिए प्राप्त हुई क्योंकि महादेव को पाने के लिए मैंने वर्षों तक घोर तपस्या की थी। मेरा ये स्वरूप मेरे लिए इसीलिए विशेष है क्योंकि इस रूप में मैंने पार्वती बनकर अमरनाथ की गुफा में शिव और शक्ति की तपस्या पूर्ण होने पर उन्हें पुनः एक कर दिया। मेरे लिए ब्रह्मचारिणी का स्वरूप केवल महादेव को उनकी साधना से जागृत करना नहीं था, अपितु मेरे ही इस स्वरूप ने मुझे जागृत किया जिससे मैंने मनुष्य जीवन के सभी बंधनों को तोड़ा। चंद्रघंटा ये उपाधि स्वयं मुझे महादेव ने दी थी। मेरी ये इच्छा है देव कि हमारी मंगल आभूषण विधि के लिए आप साक्षात चंद्रदेव को आभूषण के रूप में धारण करें जिनके शिखर पर स्वयं चंद्र विराजमान है, उसे संसार चंद्रशेखर के नाम से पुकारेगा। मैं भी आज आपको एक नया नाम, नई उपाधि देता हूँ। आज से आपके इस स्वरूप को देवी चंद्रघंटा के नाम से जानेगा। मेरे लिए चंद्रघंटा स्वरूप का सार ये है कि एक पति और पत्नी भले ही दो शरीर क्यों ना हो परंतु उनकी आत्मा एक होती है। उनका ये बंधन, ये एकता अनंत और अप्रतिम है।